नए पैटर्न के अनुसार क्लास 10 वाले बच्चे हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं, लेकिन कैसे, आखिर हिंदी में कैसे वो 100 में 100 नंबर उठा सकते हैं। देखिए अभी नए पैटर्न यानी पैटर्न में भी बदलाव हुआ है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान से समझेंगे उनके पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है और कैसे वो हिंदी में पूरे के पूरे मतलब फुल मार्क्स उठा सकते हैं। देखो एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर मेरे बताए गए तरीकों को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं तब। इसलिए आपको देखो टॉपर बनना, अच्छे मार्क्स लाने, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए सबसे पहली बात समझ लेते हैं आखिर हिंदी का पैटर्न क्या है, क्लास 10 वाले बच्चे के लिए हिंदी का पैटर्न क्या है। देखो हिंदी का पैटर्न कहता है कि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेगा, उसके बाद गद्यांश, निबंध, किताबी प्रश्न, पत्र, व्याख्या करने वाला प्रश्न देता है। अब समझते हैं कि चीज को ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपका करने वाला है वो 60 गो ऑब्जेक्टिव करेगा, कितना प्रश्न करेगा 60 गो, और 60 गो में से कंपलसरी आपको 50 गो का जवाब देना है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक नंबर ये होता था, 50 गो का नंबर जोड़ेंगे तो 50 नंबर आपका हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 60 गो करेगा जिसमें से जवाब कितना देना 50 गो, यानी 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए गद्यांश, गद्यांश पूछता है, ये 50 तो ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव के बाद गद्यांश आपका 2 गो पूछता है, और दोनों में से दोनों गद्यांश का जवाब देना होता है। एक गद्यांश 10 नंबर का होता है, गद्यांश का मतलब क्या होता है उसको पढ़ लेना है, और पढ़कर उसमें प्रश्न दिया रहेगा उसी से जवाब देना है, यानी उसी में आपको क्वेश्चन भी रहेगा आंसर भी रहेगा, पढ़कर लिखकर जवाब देने वाला होता है ये। तो गद्यांश आपका 2 गो पूछता है, और 2 गो में से 2 गो गद्यांश का जवाब देना होता है, एक गो गद्यांश 10 नंबर का होता है, दूसरा 2 गो गद्यांश कितना 20 नंबर का हो जाएगा, यानी पढ़कर लिखने वाला हिंदी में समझिए कि आपको 20 नंबर का पूछता है प्रश्न, ठीक है ना। उसके बाद निबंध जो है ना, एक निबंध देगा, एक में से एक का जवाब देना है क्योंकि एक ही निबंध देता है, ठीक है ना, और एक निबंध 10 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो इतना हो गया आपका निबंध 10 नंबर का पूछता है। उसको देखो किताबी प्रश्न, किताबी प्रश्न में पूछते हैं, किताबी प्रश्न आपको मात्र जो है ना 10 प्रश्न करेगा जिसमें से 5 प्रश्नों का आपका जवाब देना होता है। किताबी प्रश्न मतलब जो आपको हिंदी में किताब पढ़ना है पहले का दूसरा का, इन सभी किताबों में से मात्र कितना प्रश्न करेगा 10 गो करेगा, और 10 गो में से कितना जवाब देना है 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 5 गो कितना हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। अब देखो उसके बाद आवेदन आता है, मतलब लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए हिंदी में आता है, तो जो पत्र लिखने के लिए आता है एगो पूछेगा और एगो 5 नंबर का होता है पत्र। उसके बाद व्याख्या करने वाला, जैसे बोलेगा बिस्क दांत कहानी का सारांश लिखे, या बोलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जनतंत्र कविता की चर्चाएं करे, मतलब किसी एक पंक्ति दे देगा, कोई एक कविता दे देगा और बोलेगा इसका एक्सप्लेन करिए, इसकी व्याख्या करिए। तो व्याख्या करने वाला प्रश्न एगो पूछता है, ये 5 नंबर का होता है, कितना नंबर का होता है बाबू, ये 5 नंबर का प्रश्न होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, गद्यांश 20 नंबर का, निबंध 10 नंबर का, किताबी प्रश्न 10 नंबर का, पत्र 10 नंबर का, और उसके साथ साथ व्याख्या कर सॉरी पत्र 5 नंबर का, व्याख्या करने वाला प्रश्न 5 नंबर का, इनको जोड़कर देखिए तो 100 नंबर हो जा रहे हैं। इस तरह से आपका ये नया पैटर्न है। लेकिन बाबू हिंदी में कैसे पूरा मार्क्स उठाना है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो आपको ऑब्जेक्टिव करने वाला है कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ टोटल किताब का ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से आप छाटिए, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर चैप्टर से आप छाट लीजिए, पहले का बुक दूसरा का बुक है। उसके साथ साथ में आप कुछ व्याकरण का टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, और उसके बाद वचन हो गया, लिंग हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इन दो चार को पाँच को व्याकरण को आप पढ़ लीजिए, देखिएगा पूरा आपको लड़ जाएगा 100% ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, एक नहीं छूटने वाला है। यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव छाटिए, उसके बाद व्याकरण के 5-6 को टॉपिक पढ़ लीजिए, सारे जो प्रश्न है ना आपके लड़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, इसको क्लियर कर लीजिए। दूसरा का बाद गद्यांश, तो गद्यांश में कुछ नहीं करना, पढ़ के लिखने वाला होता है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसी में से उसी में प्रश्न दिया रहेगा, उसी में आंसर दिया रहेगा, पढ़ के लिख देना। उसके बाद निबंध, एक निबंध लिखना सीख लीजिए, अगर आपको हिंदी में निबंध लिखना नहीं आता, इसे बोलेगा स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखे, 300 से 250 शब्दों में लिखने के लिए देता है, तो कहीं ना कहीं निबंध अगर नहीं लिखने आती है तो मैं कई वीडियो बना चुका, आप यूट्यूब पर सर्च करें निबंध जेपी सुपर स्कूल तो आ जाएंगे, निबंध देख लीजिए, 10 नंबर के निबंध आते हैं। उसके बाद किताबी प्रश्न, देखो कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हर चैप्टर से आप क्या करिए कम से कम 10 गो प्रश्न कर रहा है तो 50 गो दुनवरिया प्रश्न छाट लीजिए हर चैप्टर से, मतलब हर चैप्टर से नहीं पूरे किताब से, पहले का दूसरा का किताब दोनों किताब को मिलाकर आप कम से कम 50 से 60 गो दुनवरिया प्रश्न छाट लीजिए, देखिएगा आपको 5 गो प्रश्न नहीं लड़ेगा 100% लड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एगो लेटर हिंदी में लिखना सीख लीजिए, 5 नंबर का आता, पत्र नहीं लिखना आता तो मैं वीडियो बना चुका, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, उसके बाद प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद व्याख्या करने वाला, जो बच्चा चैप्टर्स पढ़ेगा आपको करना कुछ नहीं, हिंदी में अगर व्याख्या करने वाला देखना था, सुमित्रानंदन पंत का एक कविता भारत माता,
इस कविता को आप पढ़ लीजिए, चाहे जनतंत्र का कविता पढ़ लीजिए या हिरोशिमा पढ़ लीजिए, ये दो तीन को किताब पढ़ लीजिएगा ना, तो उसी के बीच में से व्याख्या करने वाला पांच नंबर का आपको दे देता है, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से आपका एक क्लियर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आप पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए, गढ़ांश क्लियर कर लीजिए, निबंध क्लियर कर लीजिए, किताबी प्रश्न 50 को छाट के याद कर लीजिए, एगो लेटर लिखना सीख लीजिए, आप व्याख्या करना सीख लीजिए प्रश्नों को। देखिए पूरे के पूरे आपके मार्क्स आ जाएंगे 100, एक नंबर नहीं कटने वाले। लेकिन हिंदी में ध्यान रखना है कि राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक राइटिंग सुंदर नहीं होगी तब तक पूरे मार्क्स उठा नहीं सकते हैं। तो इस तरह आप हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। देखो ये वीडियो इतनी मतलब महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कहां नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको ये सब चीजें पता नहीं चलती आप तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए बाबू मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को ये सब सारी चीजें पता चल जाए और उसके अनुसार इसके अनुसार वो तैयारी कर सके। यदि आप देखिए यदि आपको गद्यांश का, निबंध का, किताबी प्रश्न का या ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू, तो डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, यहां से लेकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हर विषय का आपको पीडीएफ दिया जाएगा और हर विषय का पीडीएफ आपको एग्जाम तक दे जाएंगे, उसके लिए मात्र आपको 499 रुपए देना होगा, मतलब 499 रुपए आपको पे करने होंगे, अन्यथा आप ऐसे मैसेज मत करिएगा, ठीक है ना। अगर कोई आप सवाल पूछना चाहता है, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो देखिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए जितना हो सके फैलाइए, ताकि और भी बच्चे ये सब बातें समझ सके और जान सके। जय हिंद।